हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमीज यूट्यूब चैनल और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल 15 जनवरी के दिन इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, तो क्या आपने कभी सोचा कि हम 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे क्यों मनाते हैं? ऐसा क्या रीज़न है कि हम इसी तारीख के दिन इंडियन आर्मी डे मनाते हैं? अगर आप लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है तो हम आपको बताते हैं वाई इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th जनवरी। आप सभी जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और भारत की आज़ादी के बावजूद भी ब्रिटिशर्स इंडिया पर कुछ समय तक रहे थे। इसके लिए आपने बहुत सारे लॉज और कानून देखे हैं जो कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के ही चलते रहे थे। द ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन इज़ टेकन प्लेस विद इन सम ईयर्स, और इस दौरान ही एक और ट्रांजिशन होना बहुत ज़रूरी था। वो था जो इंडियन आर्मी है उसकी कमान को ब्रिटिशर्स के हाथ से भारतीयों के हाथ पे सौंपना, और ये जो घटना हुई थी ये 15th जनवरी 1949 को हुई थी। 15 जनवरी 1949 के दिन ब्रिटिशर्स से इंडियन आर्मी की कमान एक इंडियन के हाथ में चली गई और उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा। ये हमारे देश के फर्स्ट फील्ड मार्शल भी कहे जा सकते हैं, और इसी वजह से हम इंडियन आर्मी डे 15th जनवरी को मनाते हैं। तो 15th जनवरी को जब हम आर्मी डे मनाते हैं उस समय के एम करियप्पा जी के हाथों पे इंडियन आर्मी की कमान सौंपी गई थी। तो आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि के एम करियप्पा जी का जीवन भी अपने आप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से भरा हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा जी का जन्म 28 जनवरी 1899 में कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो आज के कर्नाटक में पड़ता है। इन्होंने साल 1919 में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था और एक ऑफिसर के तौर पर ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने सर्व किया था। कर्नल करियप्पा को उनके चाहने वाले या उनके नज़दीकी लोग चिम्मा इस निक नेम से पुकारा करते थे, और लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा को आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत सारे देशों में सर्व करते हुए देखते हैं, जैसे इराक, ईरान, सीरिया और आखिर में बर्मा। इन देशों पर इन्होंने सर्व किया था, या फिर कहें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोस्टिंग ली थी। साल 1942 में जब ब्रिटिशर्स ने के एम करियप्पा को एक आर्मी यूनिट की कमांड सौंपी, तब वो ऐसे पहले भारतीय ऑफिसर बन गए थे जिनके अंडर किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने भी सर्व किया था। इस तरीके से के एम करियप्पा भारत के ऐसे पहले ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भी अपने अंडर कमांड किया हुआ है। साल 1945 में के एम करियप्पा जी को ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ द एम्पायर नाम के अवार्ड से भी नवाजा गया था, क्योंकि इन्होंने बर्मा के बुद्धिदोंग ऑपरेशंस में बहुत कमेंडेबल काम किया था। और इसी साल 1945 में इन्हें वजीरिस्तान, जो कि आज के पाकिस्तान में लोकेटेड है, वहां पर एक बन्नू फ्रंटियर पे कमांड के लिए भेजा गया था। इस दौरान के एम करियप्पा के अंडर कर्नल अयूब खान ने भी सर्व किया था। यही कर्नल अयूब खान आने वाले समय में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, और इस तरीके से के एम करियप्पा के जीवन में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर प्रेसिडेंट को भी अपने अंडर कमांड किया था। इसके बाद साल 1949 में, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 15 जनवरी के दिन ब्रिटिश ऑफिसर जनरल रॉय बुशर ने ब्रिटिश आर्मी, जो कि अब इंडियन आर्मी बनने वाली थी, उसकी कमान के एम करियप्पा जी को सौंप दी थी, और इस तरीके से हम आर्मी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1949 के बाद साल 1951 में यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने भी के एम करियप्पा को अपने देश के प्रमुख सैन्य सम्मान से नवाजा था। इसके पीछे रीज़न ये है कि अमेरिका ने भारत और अमेरिकी रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए के एम करियप्पा जी को ये सम्मान दिया था, और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय ऑफिसर बने थे। 1951 के बाद साल 1956 में इन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर के तौर पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी सर्व किया था, और फिर अपनी इस पूरी सर्विस के दौरान, जिसे कि 1953
1983 में उन्होंने इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया था, उसके कई सालों के बाद 1986 में भारत की सरकार ने उन्हें ऑनररी फील्ड मार्शल का रैंक दिया था। फील्ड मार्शल एक 5-स्टार रैंक होती है जो कि काफ़ी रेयर दी जाती है। भारत में इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो इसमें 6 मानेकशॉ और KM करियप्पा केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि KM करियप्पा जी का जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और कई सारी उपलब्धियों से भरा हुआ है, और इस आर्मी डे के सेलिब्रेशन के दौरान हमें इन सब जो उपलब्धियां KM करियप्पा जी ने अचीव की थी उनका भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये पसंद आई होगी, और इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहें, आगे भी हम आपके साथ इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते रहेंगे।